3 दिन एक मुट्ठी खा लो पूरी जिंदगी। शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, अनिद्रा, हड्डियों की कमजोरी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं और अपने शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इसकी एक मुट्ठी का सेवन हर रोज करना है और तीसरे दिन से ही आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे और 21 दिन में तो आपको इसके भरपूर फायदे मिलेंगे। इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। दोस्तों, क्या आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपनी इस शुगर की बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनसे भी बचे रहना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपने इनका हर रोज सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा और इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं आप उन सब से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, यदि आपके शरीर की इम्यून पावर यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर है या आप अपने शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों तब भी आपने इनका सेवन हर रोज करना चाहिए एक मुट्ठी की मात्रा में। और यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि इससे आपके शरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत तरह की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपने इस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और अपने शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तब आपने इसका एक मुट्ठी का सेवन हर रोज करना है और 15 दिन में आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे। दोस्तों, जब आप 15 दिन के बाद अपना टेस्ट कराओगे तब आपको बहुत जबरदस्त नतीजे मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको हार्ट ब्लॉकेज है या फिर आपको हार्ट अटैक के आने का डर है, दोस्तों तब भी आपको इसकी एक मुट्ठी का सेवन हर रोज लगातार 21 दिन तक करना चाहिए। इससे आपकी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आपको नहीं आएगी क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करेगा और दोस्तों आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा, यानी आपके हार्ट को मजबूत करने का काम भी करेगा। यानी ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा और हार्ट अटैक के आने का भी इलाज करेगा। दोस्तों, क्या आपको अनिद्रा की बीमारी है और आप इस अनिद्रा की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए बड़े काम का है क्योंकि इनमें मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करता है जिससे हमें अच्छी नींद आती है। हड्डियों की कमजोरी, दोस्तों हड्डियों के विकास, उनके निर्माण और देखभाल के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम की कमी से ही हड्डी के रोग होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इससे हमारे शरीर की हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाती हैं या फिर शरीर में दर्द की समस्या भी आती है, हड्डियों के दर्द की। तो दोस्तों, तब भी आपने इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए एक मुट्ठी की मात्रा में क्योंकि ये नुस्खा कैल्शियम का खजाना है और आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। दोस्तों, इसके अलावा इस नुस्खे में मैग्नीशियम भी है जो हड्डियों के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रेस को करता है कम। दोस्तों, क्या आपको तनाव रहता है, तब भी आपने इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये नुस्खा विटामिन सी से भरपूर है और दोस्तों एक शोध में ये बात साबित हो चुकी है कि विटामिन सी से हमारा तनाव कम होता है। गठिया रोग, दोस्तों गठिया जैसे हड्डी रोगों के लिए भी ये चमत्कारी औषधि है क्योंकि इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपको गठिया के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, कमर के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। यानी इसका प्रयोग करने के बाद आपको ना तो आपको जोड़ों के दर्द की समस्या होगी, ना घुटनों के दर्द की समस्या होगी, ना ही आपको कमर के दर्द और गठिया के दर्द की समस्या होगी। दोस्तों, यदि आपको पेट के रोग हैं
यानी आपको कब्ज, पेट में गैस और ये एसिडिटी की समस्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी हमारे शरीर के 72 बीमारियों का कारण बनती है। दोस्तों यदि आप इन 72 बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तब आपको अपने इन पेट के रोगों का इलाज करना जरूरी है। और दोस्तों ये नुस्खा आपको इन सभी पेट के रोगों से बचाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फाइबर बहुत अधिक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि यदि हम फाइबर का सेवन अधिक करते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, और यदि हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा तो हम जो खाएंगे वो पच जाएगा, वो हमारे शरीर में लगेगा। एक तो इससे हमारी ताकतवर बॉडी बनेगी, हमारे शरीर की कमजोरी का इलाज होगा, और दूसरा हमें पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या नहीं आएगी। यानी ये नुस्खा आपके शरीर की कमजोरी का इलाज करेगा, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, कब्ज, गैस और एसिडिटी का भी इलाज करेगा। आंखों की रोशनी, दोस्तों यदि आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आंखों के लिए भी ये नुस्खा एक वरदान की तरह है, क्योंकि इस नुस्खे में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से ही हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होती है। तो यानी कि ये नुस्खा आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम भी करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा, आपके दिमाग को तेज करने का काम करेगा। दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की कमी है और आप इस खून की कमी का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे में आयरन और फोलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर में इस खून की कमी का इलाज करता है। दोस्तों क्या आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं या फिर अपने इस पेट की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान हैं? दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है। इसको खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, जिससे आप अधिक खाने की आदत से बच जाते हैं और आपका मोटापा तेजी से कम होता है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गए इसके फायदे, अब जानते हैं कि वो चमत्कारी चीज है क्या जो आपको इतने सारे चमत्कारी फायदे प्रदान करती है, आपको इन सभी तरह के रोगों से बचाने का काम करती है। दोस्तों आज की इस वीडियो की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों कद्दू के बीज। और दोस्तों कद्दू के बीजों का नाम सुनते ही आपको हंसी आ गई होगी कि हम क्या सोच रहे थे और ये क्या चीज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कद्दू के बीज एक चमत्कारी औषधि है, जो आंतरिक स्वास्थ्य से लेकर त्वचा और बालों के लिए भी एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो कद्दू के बीज फाइबर से भरपूर है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ कब्ज जैसी समस्या, मोटापे को कम करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा के लिए सबसे कारगर विटामिन माने जाते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सोडियम व फोलेट आदि तत्वों से भी भरपूर हैं। तो दोस्तों आप इन सब के फायदे जान गए होंगे कि जिसमें इतने सारे गुण हैं उसके फायदे कितने होंगे। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि के बारे में। दोस्तों आपने क्या करना है, इसका सेवन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एक मुट्ठी कद्दू के रॉ सीड लें, ये आपको बाजार से हर शॉप से मिल जाएंगे, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उनको सुबह बासी मुंह ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं, और ऊपर से एक गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी पी सकते हैं। या फिर आप एक मुट्ठी कद्दू के बीज लेकर एक गिलास पानी में उनको उबालो और अच्छी तरह से मसल लें, और उसको उबाल कर आप उसका सेवन करें, यानी कि काढ़ा बनाकर सेवन करें। या आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि दो गिलास पानी में उसको उबालें और जब तक वो एक गिलास न रह जाए तब तक आप उसको उबाल करें, एक गिलास के बाद पी लें। यानी इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं, आपको प्रॉपर वो ही फायदे मिलेंगे जो आपको चाहिए आपके शरीर को निरोगी बनाने के लिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे का आज ही सेवन कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।